आपका कौन सा टेम्पल बचाए थे असद साहब? असद साहब हमारे बीरप्पा गुट्टा चंदूलाल वाले का बचाया, सो अभी काम भी चला रहे हैं, वो कच्चा कराएंगे, तो उनकी वजह से आपका टेम्पल बचा हुआ है उनकी तरफ से, उन्होंने काम करा के देंगे बोल के वादा करे सो हमारे से असद साहब साहब के घर को भी बिना अच्छा कोऑपरेशन करें हमारे साहब। ठीक है साहब, हमारी कम्युनिटी बीसी कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, बीसी कम्युनिटी इस बार तो सोच कर बैठी हुई है कि क्या बोलते हैं एमआईएम को जिताना है, एमआईएम तो जीती, एमआईएम को बारी हकसीरत से जिताना है इस बार जी। सुना अभी एमआईएम पार्टी का ग्रुप ऐसा है, एकता है, एकता में ही अनेकता है, एकता में भी एकता है। आज हुकूमत कुछ भी रहो, चाहे बीजेपी रहो, कुछ भी रहो, लेकिन एमआईएम पार्टी ओल सिटी में से हटाता नहीं और हटाएंगा भी नहीं, और जितना भी इनके वोट्स है उनको एमआईएम को ही गिरेंगे, किसी को भी नहीं गिरेंगे। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन अवैसी ने मंदिर बचाया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, यह बहादुरपुरा निर्वाचन क्षेत्र के दूधबोली वार्ड के हिंदू समुदाय के निवासी कह रहे हैं। जब इन निवासियों से भारत की तरक्की के संवाददाता ने बात की तो इन्होंने कहा कि हमारी मंदिर की भूमि पर अवैध निर्माण कार्य हो रहे थे, इसकी सूचना हमने ओवैसी को दी, ओवैसी ने तत्काल यहां पर सर्वे करवाया, हमारी मंदिर को सुरक्षित करवाया। हिंदू समुदाय ने कहा कि ऐसा उदाहरण भारत में कहीं देखने को नहीं मिलता, असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी जो कार्य करवाते हैं इससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आज गदगद हो रहे हैं, हमारी मंदिर को बचाने में अहम भूमिका असदुद्दीन अवैसी की थी, अवैसी ने हमें आश्वासन दिया जल्दी भव्य निर्माण कार्य इस मंदिर के होंगे, सरकार से करोड़ों रुपया भी इसके लिए स्वीकृत करवाया जाएगा। हिंदू समुदाय के लोगों ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी जैसे नेता हमें मिले हैं, हम अपने आप को भाग्यशाली और गौरवान्वित समझते हैं, क्योंकि ऐसे नेता भारत में बहुत ही कम हमने देखा है। असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी का दिल मुसलमानों के लिए भी धड़कता है और हिंदू और सिख और ईसाई के लिए भी धड़कता है, हर मजलूम के ऊपर जब जुल्म होता है उस जुल्म के खिलाफ आवाज एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी उठाते हैं। इन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के प्रत्याशियों के सर पर जीत का सहरा सजाकर तेलंगाना की विधानसभा पहुंचाने के लिए हिंदू समुदाय ने निर्णय ले लिया है, बेचैनी के साथ 30 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। और असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी बहुत ही लोकप्रिय नेता है, जब किसी गरीब की सहायता करते हैं या किसी के कार्य करते हैं तो जय जयकार और प्रचार नहीं करते, इसका उदाहरण देखा गया जो मंदिर सुरक्षित हुई है, ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है लेकिन इसकी ना जय जयकार हुई है ना प्रचार हुआ है, मंदिर सुरक्षित भी हो गई है, अब यहाँ पर भव्य निर्माण कार्य भी होना है, ओवैसी ने इसके लिए आश्वासन भी दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। मैं जितने दिनों से देख रहा हूँ साहब, क्या बोलते हैं एमआईएम के हमारे एमपी असदुद्दीन अवैसी साहब के नुमाइंदगी पर हर फेस्टिवल में लाइटिंग का काम हो रहा, सैनिटाइजेशन का कंप्लीट नीट एंड क्लीन रहते हमारे फेस्टिवल्स में, ऐसा भेदभाव नहीं है। ओल्ड सिटी में खाली पुकारा कर रही कि क्या बोलते कि हिंदू फेस्टिवलों में काम आने होते, हिंदू एरिया में काम आने होते, हिंदू एरिया को नेग्लेक्ट कर देते बोलकर, ये गलत है साहब। क्या बोलते हैं हमारे फेस्टिवल में खुसूसन एमपी साहब के लेटर्स पे क्या बोलते हैं हमारे को टेम्पररी लाइटिंग मिलता, हर मंदिर को लाइटिंग मिलता, हर मंदिर को, जैसा कि रमज़ान में मस्जिद को जैसा लाइटिंग मिल रहा वैसे ही मंदिरों को लाइटिंग मिल रहा, हर मंदिर का वाटर कैंप्स रहते और क्या बोलते कंटिन्यूसली फेस्टिवल टाइम पे तो सैनिटाइजेशन कंटिन्यूसली दिन डे एंड नाइट होते रहता हमारे पास। और एक क्या बोलते साथ ही साथ फेस्टिवल में तो क्या बोलते मंदिरों में और प्रोसेशन के रूट में स्पेशल बीटी पैचवर्क का भी काम हो रहा है। देखिए साहब, हमारी कम्युनिटी बीसी कम्युनिटी से हम बिलोंग करते, बीसी कम्युनिटी इस बार तो सोच कर बैठी हुई है कि क्या बोलते एमआईएम को जिताना है, एमआईएम तो जीती, एमआईएम को बारी हकसीरत से जिताना है इस बार जी। अभी तेलंगाना सरकार की कई योजना, अनगिनत योजनाएँ आए, क्या आपकी कम्युनिटी को इसका लाभ मिला? बहुत से जनों को क्या बोलते हैं एमआईएम पार्टी की नुमाइंदगी पे बहुत से पुराने शहर में बहुत से लोगों को लाभ मिला साहब, जैसा कि गुरुलक्ष्मी है और दलिता बंधु है
और अपने कल्याण लक्ष्मी हैं और आरोग्य श्री हेल्थ कार्ड्स का रहने दीजिए, हर चीज़ का आवाम तक लेके जाके क्या बोलते हैं सांप की नुमाइंदगी पे हरे क्या बोलते ग्राउंड लेवल तक लेके जाके हर चीज़ आवाम तक आया और हमारे क्षेत्रवासियों तक भी पहुँच चुका है। सर साहब का साथ देंगे इलेक्शन में, बाजू भारी मेजॉरिटी से जिताना चाह रहे हैं हम लोग, हमारे कुर्मा संगम के जितने भी है ट्रस्ट के पूरे उठा उनको ही गिरेंगे, भारी मेजॉरिटी से जिताएंगे। हमारा मंदिर का काम करा के दिए सर साहब और करा के देंगे, और हमारा उनका साथ देंगे, कोऑपरेशन अच्छा है हर मंदिर फेस्टिवलों के काम आप बहुत अच्छा करा के देते हैं। मोदी पेट भाई राजेंद्र सिंह है, मैं यहाँ पैदाशी यहाँ का ही हूँ। ऐसे कार्य हो रहे हैं एमआईएम के, एमआईएम के कार्य जो हो रहे हैं, रोडा बन रहे, देनीदा बन रहे और जो कार्यक्रम हो रहे यहाँ पे बहुत अच्छी सहायता हो रही है, हर तरह से हो रही है। और हम मैं गुजारिश करता हूँ ऐसे चलने दो, ऐसे छूना, एमआईएम पार्टी का ग्रुप ऐसा है, एकता है, एकता में ही अनेकता है, एकता में भी एकता है। आज हुकूमत कुछ भी रहो, चाहे बीजेपी रहो, कुछ भी रहो, लेकिन एमआईएम पार्टी ओल सिटी में से हटाता नहीं और हटाएंगा भी नहीं, और जितना भी इनके वोट्स है उनको एमआईएम को ही गिरेंगे, किसी को भी नहीं गिरेंगे।